गीता का ज्ञान भी है कि फल करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो जब आप कर्म करते हो, एक्शन लेते हो, और फल जो है, फल अपने हाथ में कभी भी नहीं होता, तो फल की, और हम क्या करते क्या है, फल को पकड़ लेते हैं, कर्म को, कर्म तो कर रहे हैं पर हमें अटैचमेंट हो जाता है फल से और फल पे ध्यान चला जाता है। करना क्या है, हमें कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। कर्म करो फल की चिंता छोड़ दो, पर अक्सर हम फल को पकड़ लेते हैं तो रिजल्ट वहां पे हमारे गड़बड़ आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बट जैसी आप एक्शन लोगे, कर्म करोगे और फल पे फोकस नहीं होगा, आगे आने वाले टाइम में हम रेकी में भी यही सीखेंगे कि फल की चिंता नहीं करनी है। आपका काम ये नेचर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। रेकी ऊर्जा जब हम देंगे तो हम रेकी ऊर्जा दे सकते हैं, फल की कामना हमारे हाथ में नहीं। ठीक है, ये तो ये सेकंड प्रिंसिपल बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। कौन कौन फॉलो करेगा कि आज के दिन हमने मस्त रहना है, बिल्कुल फुल एंजॉयमेंट के साथ, और बाकी लोग वरी करेंगे, सबके डिजिटल नहीं हैंड्स, मेरे को मैडम, डिजिटल हैंड्स दिखने चाहिए मुझे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप लोग पार्टिसिपेट करें, डिजिटल हैंड्स दिखें कि आप लोग चिंता नहीं करेंगे, सबके दिखने चाहिए मुझे, नहीं तो मैं आगे का कोर्स नहीं लूंगी। आप लोगों के डिजिटल हैंड्स ऊंचे होने चाहिए कि आज के लिए हमने चिंता नहीं करनी, आज के लिए हमने रिलैक्स करना है। तो जिनको डिजिटल हैंड ऊपर नहीं करना चाहता, वो फिजिकल हैंड से बताएंगे कि आज के लिए आपने इंजॉय करना है जीवन को। वेरी गुड, तो थैंक यू ताहिरा जी कि आज के दिन मस्ती से जीना है, आज के दिन पूरा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के साथ जीना है, क्योंकि आने जो हम आगे प्रिंसिपल करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। तो तीसरा प्रिंसिपल है, आज के लिए मैं अपना काम समय पे करूंगा। तो जो भी हम सोचते हैं, हम क्या करते हैं, अक्सर टालते जाते हैं कि अच्छा छोड़ो आज तो बहुत ठंड है, कल कर लूंगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो आगे टाल देते हैं। सच सच बताइए, कोई हाथ नहीं रेस करा। मैं भी करती हूँ प्रोक्रेस्टिनेट, ऐसा नहीं है, सारी प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने नहीं छोड़ी है। मैंने किया क्या प्रोक्रेस्टिनेट किया आपने? रोज मैम, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, कल से ये करूंगी, ये कौन बोल लेकिन रहा है, मुझे नाम वो पता होता नहीं चल रहा। आप ही नहीं है अपना स्टार्ट। नाम जरूर बताइए, क्योंकि नाम मैम मुझे नहीं श्रुति दिख। भट्टर, श्रुति जी, तो श्रुति मेरा नाम जी श्रुति। इसका इम्पैक्ट आपकी सेहत पे क्या आ रहा है? कोई रिकवरी नहीं है, जो मेरे को हेल्थ रिजल्ट चाहिए वो मिलते नहीं है, और जहां हूँ वहीं पे हूँ। इनफैक्ट और सोच सोच के हालत भी टाइट हो जा रही है। तो श्रुति जी, आपका फोकस कहाँ पर है? मेरा मतलब हेल्थ पे भी है और किड्स पे भी है, दोनों पे नहीं, भी हेल्थ है। पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मुझे। किसी को दिख रहा है इनका फोकस हेल्थ पे? किसी को नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा। देख लीजिए, आप अपनी हेल्थ को तो इग्नोर कर रही हैं और बहाने लगा रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, देखिए मैं थोड़ा सा ना सच बोलूंगी, थोड़ा सा नहीं पूरा जी सच जी बोलूंगी कि जी जहाँ, क्योंकि मेरा काम है एज ए कोच, एज ए टीचर, आपका जहाँ पे जो मिसिंग एरिया है उसको पॉइंट करना। तो आप हाल अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है। ट्रू 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 तो मैम, ट्रू ट्रू कहने से सिर्फ बात नहीं चिंता बनेगी। करती हूँ उसके लिए। तो वहां पे आपको रिजल्ट मिलना है, वहां से आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब देखिए, एक मैम डेल्सी जी थी, कौन थी, जिन्होंने नहीं मिल, अपने पेट में वो डायबिटीज पैदा कर ली। आपने करी थी ना डेल्सी जी, डायबिटीज। तो आप देखिए, हम लोग जब चिंता कर रहे हैं कि यस मेरी मैम, हेल्थ खराब हो जाएगी, और तो आप हेल्थ को खराब करने के जी लिए कर्म कर रही हैं। एक्चुअली में जो आप चिंता कर रही हैं, उस वो कर्म जा रहा है हेल्थ को खराब करने का। ये आपको समझ में आ रही है बात? आप हेल्थ को अच्छा करने के लिए क्या कर्म कर रही हैं, वो हमें किसी को नहीं सुनाई दे रहा, किसी को सुनाई दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। तो श्रुति जी, आज के दिन हेल्थ का स्टार्ट करना है, रेजिम अपना, डाइटिंग, वॉक, ये सब करना है या नहीं करना?
और मैं आप सब लोगों से बात कर रही हूँ, किसी एक से नहीं कर रही हूँ, श्रुति जी ने पॉइंट करा है, इसलिए बाकी लोग भी अपनी लाइफ में देखिए कि कहाँ हम अपने आप से अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा सेशन चलेगा, आप सबको अपने साथ ऑथेंटिक होना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा कि हम जो हैं अपने जो पैटर्न्स हैं हमारे वरी के, चिंता के, हमें लाइफ में वो नहीं दे रहे जो हम चाहते हैं। रेकी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें लाइफ में वो मिले जो हम चाहते हैं, पर एक्शन हम वो ले रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं आप देख पा रहे हो अपनी लाइफ में कि जो हम नहीं चाहते उसके लिए एक्शन ले रहे हैं। दीपक जी आप कुछ कह रहे थे कितने लोग हैं जो अपने जीवन में देख पा रहे हैं कि जो हम चाहते हैं उसके लिए हम एक्शन नहीं ले रहे और जो चाहते हैं वो कर नहीं रहे। वेरी गुड ज्योति जी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, थैंक यू फॉर बीइंग ऑथेंटिक। आप लोग ऑथेंटिकली ट्रूथफुली देख पा रहे हैं अपने जीवन को, ये बहुत बड़ी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रिंसिपल, जस्ट फॉर टूडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। तो अपना काम समय से करना, ऑनेस्टली करना। तो क्या क्या काम आप ऑनेस्टली नहीं कर रहे हैं? कोई बताएगा क्या क्या काम ऑनेस्टली नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब हम कोई काम ऑनेस्टली जो हमने बोला है हम करेंगे और हम अपना काम समय पे नहीं कर पाते हैं तो रात को हम गिल्ट में चले जाते हैं। कितने लोग कुछ काम नहीं कर पाते तो गिल्ट में जाते हैं। वेरी गुड, मैं भी जाती हूँ गिल्ट में। किसी को प्रॉमिस किया कॉल करूंगी, नहीं किया तो गिल्ट में जाती हूँ मैं। तो गिल्ट एक नेगेटिव फीलिंग और इमोशन है जो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। आप लोग डिजिटल हैंड रेस करके भी बता सकते हैं क्योंकि इंटरैक्टिव है, हमें मुझे लगेगा कि लोग मुझसे बोर नहीं हो रहे हैं। तो कितने लोग बोर हो रहे हैं हाथ खड़ा करें ऑनेस्टली। कोई बोर हो रहा है तो बता दीजिए, बोर हो रहे हैं तो ऐसे करिए, बोर नहीं हो रहे तो ऐसे करिए, नहीं हो रहे, थैंक यू। सब लोग सुन रहे हैं क्योंकि देखिए आप लोगों को मेरी बातों से वैल्यू मिले, यही मेरी कमिटमेंट है। तो आज के लिए अपनी लिस्ट बनाइए अपनी कॉपी में कि जो जो आपने कमिटमेंट्स अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए लिए हैं जो आज तक आपने नहीं करे हैं वो कब करेंगे। समय और टाइम लिखिए। लिखिए लिखिए कि लिस्ट बनाइए कि आपने क्या क्या नहीं करा है समय पे। ये मैं आपको 5 मिनट देती हूं और लिस्ट कम से कम 50 या 100 की होनी चाहिए आपकी। 5 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट का समय लीजिए और लिस्ट बनाइए कि आपने हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में क्या क्या प्रॉमिस करा है, किन लोगों को आपने कॉल करना था, क्या क्या कम्युनिकेशन करनी थी और नहीं करी है, उसकी लिस्ट बनाइएगा आप। आपको 5 to 10 मिनट्स का मैं समय दे रही हूँ, ये बनाइए आप। तो एवरीबडी, सब लोगों ने लिखा है कि कहाँ कहाँ आपने अपना प्रॉमिसेस तोड़े हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों ने अपना काम समय पे नहीं किया और कब करना है। ये रीशेड्यूलिंग करी है सबने? अगर करी है तो बोले, नहीं करी तो बोले। कर ली है, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसको ऑथेंटिकली कर रहे हैं एंड इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं और आप लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये आपकी कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने जीवन को एग्जामिन कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और उस पर काम करने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड होगा ये जो प्रोग्राम है, एक्शन ओरिएंटेड है, आप लोगों को एक्शंस लेने हैं। तो सबने बनाया है लिस्ट, कोई शेयर करना चाहता है उनकी क्या लिस्ट है, ऑथेंटिकली बताइए कि क्या क्या कब कब करोगे और कैसे इंश्योर करोगे कि वो करना है, प्लीज शेयर। या मैम, श्रुति हियर। श्रुति जी बोल रही है, बाकी लोगों की लाइफ में नहीं है कुछ, सॉरी श्रुति जी आप बोलिए वैसे, बट लेकिन मैं चाहती हूँ आप बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, राजकुमार जी, पूर्वी, सब लोग वीडियो पे आ जाए,
आप लोग सब ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये मैं नहीं चाहती ये ग्रुप ऐसा रहे कि आप आगे पीछे एक दूसरे को सपोर्ट रहे तो कनेक्ट हो पाएंगे अगर आप वीडियो ऑन करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, तो हाँ बोलिए श्रुति जी। हाँ मैम, जो चीज़ मैंने ऑनलाइन नहीं मतलब ऑन टाइम नहीं की वो है एक अपना हेल्थ, चाहे वो वॉकिंग हो, एक्सरसाइज हो या कुछ भी हो, अपने हेल्थ से रिलेटेड। जो मुझे अस्थमा है तो मैंने अपनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के लिए जो मुझे प्राणायाम करने चाहिए वो सब मैंने नहीं किया है। नेक्स्ट इज डाइट। एक मिनट, वेट वेट वेट, मैंने नहीं किया है पर मैं कब करने वाला? अभी फोकस कहाँ है कि मैंने नहीं करा है, पर हम बात करें कि आप कब करोगे। देखिए अभी भी फोकस वहीं पर है कि मैंने नहीं करा, अब ये आपने लिखना था कि मैं कब करूंगी, तो ये आपने शेड्यूल करा है अपने आप को? हाँ मैंने लिखा है, यही लिखा है कि मुझे कैसे भी, जैसे हेल्थ है जिसके लिए जो एक्सरसाइज करने हैं वो मैं आज से ही स्टार्ट करूंगी। और जो मैंने लिखा है कि जो मुझे टारगेटेड मेरा जो वेट है जो मुझे लाना है, सो आई विल गेट इट ऑन जून। जो मेरा टारगेट है मेरा वेट लॉस करने का, तो मुझे जून तक अचीव करना है। तो आपका कितना कितना वजन कम करना है? 10 किलो, 5 किलो, और आप कैसे करोगे? 20 kg। हाँ जी, 20 kg से टारगेट मेरा, एंड एज पर डाइट और एक्सरसाइज से ही करना है मुझे। एनी हाउ 4-5 किलो तो हुआ है फ्रॉम लास्ट 2-3 months में, लेकिन नॉट दैट इफेक्टिवली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वापस से खाने लग जाऊंगी तो फिर से हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ डाइट कंट्रोल से किया है, एक्सरसाइज करके नहीं किया है मैंने। तो आज कितने बजे से आप अपना योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, कितने घंटे कर रहे हो, ये इसको शेड्यूल करा है आपने? नहीं मैंने नहीं किया है। तो ये मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ, तो जो लोग शेड्यूल नहीं करते अपने टाइमिंग्स को, अलार्म्स नहीं लगाएंगे, तो वो नहीं होने वाला है ये, तो फिर वही हो गया, आपने को बोला फिर छोड़ दिया। तो अगर आपने 5 बजे 6 बजे लिखा है कि आज मैं 5 बजे 1 घंटा वॉक के लिए जा रही हूँ, या 5 बजे मैंने 1 घंटा योगा करने जा रही हूँ, और आपके घर में कौन कौन है श्रुति जी? जी मैम, मेरी जॉइंट फैमिली है, ऐसे हम लोग 40 members रहते हैं। वाओ, यू आर सो प्रिविलेज्ड कि आप इतने सारे लोग हैं। तो श्रुति जी आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको आपके बच्चे हैं? जी मैम है ना, तो जैसे आप अपने बच्चों की जान खाते हो, होमवर्क करो, ऐसे आपने बच्चों को बोलना है कि मेरे को सपोर्ट करो, अगर मैं वॉकिंग नहीं जा रही हूँ तो आप मुझे टोकोगे। तो आपको 4 घर में लोगों का सपोर्ट देना है। बिल्कुल, आप ऐसे ही देखिए, हमें कॉज करना है आपकी हेल्थ, अगर अपनी हेल्थ के लिए कमिटेड हैं तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे, आप बच्चों को तो टोकते रहते हो, जब बच्चे आपके टोके तो आपको डर लग रहा है कि बच्चे मुझे टोकेंगे, बट टेक सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं बड़े कमिटेड होते हैं। तो श्रुति जी अगर आप हेल्थ के लिए कमिटेड हैं तो उन लोगों का सपोर्ट लीजिए जो आपको टोक के याद दिलाएं कि आपने ये प्रॉमिस नहीं किया, क्योंकि हम सब अपने प्रॉमिस ब्रेकर्स, हम सब हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी तोड़ती हूँ। तो मैंने अपने, मेरे कोचेज हैं जो मुझे याद दिलाते हैं, मेरे बडीज हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, भैया ये कब करोगे। तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, हमें याद दिलाए। खुद तो खुद हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो हमें सपोर्ट लेना है बच्चों का, फैमिली मेंबर्स का, और शर्माना नहीं है सपोर्ट लेने में। पड़ोसी, कोई पड़ोसी है जो रेगुलर मॉर्निंग वॉकर है, तो आप उनका सपोर्ट ले सकते हो। डू यू गेट दैट कमिटमेंट? जो इंसान कमिटेड होगा हेल्थ के लिए वो क्या करेगा, आप ये बताइए, कोई और बताए, श्रुति जी की जगह कोई और बताएगा, कोई इंटरैक्ट करेगा, कोई बताएगा कि श्रुति जी को क्या क्या करना चाहिए, कितने टाइम करना चाहिए? हाँ जी, मैं प्रियंका शर्मा, मेरे ये मेरा काफी वेट मैंने गेन कर लिया था कोई 8 months बैक, तो लॉकडाउन में मैंने मॉर्निंग 1 घंटा योगा एंड 1/2 hour इवनिंग वर्कआउट किया, लाइक क्योर फिट की एड आती हैं, एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे यूट्यूब में उसके साथ, तो मैंने कोई 10 kg रिड्यूस किया। वाओ, तो प्रियंका जी कैन यू सपोर्ट श्रुति इन रिड्यूसिंग हर वेट? हाँ, तो मैं प्राणायाम मेडिटेशन तो रेगुलर करती ही करती, क्योंकि मैं, क्योंकि एज जब मेरी भी 36 है, मुझे लगा कोई डायबिटीज थायराइड जैसा प्रॉब्लम तो हर एक को रहता है, तो ये ना कि मेरे को मेडिसिन में अपनी लाइफ
पड़े. वेरी गुड. तो फिर इसके लिए मुझे पहले इस चीज के लिए आप भी इनका सपोर्ट, प्रियंका जी आप डेल्सी और श्रुति को सपोर्ट कर सकती हैं कि वो अपनी हेल्थ का. ऑफ कोर्स देखिए मैं ये चाहती हूँ, ये कम्युनिटी बन गई है, एक एक परिवार बन गया है. तो ये एक परिवार है जो एक दूसरे को अलाइव रखेगा, हैप्पी रखेगा, एक दूसरे की कमिटमेंट्स के लिए ध्यान रखेगा. तो प्रियंका जी प्लीज. मैम मैं भी योगा करती हूँ एवरी मॉर्निंग में 5 to 6, और मैंने में 96 kg की थी जब इतना टेंशन डिप्रेशन में थायराइड की वजह से. अभी मेरा वेट है 74 kg. वंडरफुल, वेल डन. तो लॉकडाउन में ही मैंने सब किया. लॉकडाउन में मेरे पास टाइम था, जॉब बंद थी, तो 4 महीने में वो ही किया पूरा डाइट सब, और डाइट न्यूट्रिशन का भी मैंने कोर्स किया. वेरी गुड. तो हेल्थ हम सबके लिए बहुत क्रिटिकल है और ये टॉप प्रायोरिटी है. तो अपना डेट और टाइम फिक्स कीजिए अपने और बाकी लोगों को. बाकी लोग नहीं शेयर करना चाहेंगे हेल्थ के अलावा और क्या क्या इश्यूज है रिलेशनशिप्स में, कहाँ अपसेट हैं और कब आप वो कम्युनिकेट करेंगे. कई लोगों को आपने कॉल नहीं करा होगा, न्यू ईयर पे विश करना चाहते थे नहीं करा होगा, अपने मन में सोचा था कि मैं करूँगा, तो आज आप कर सकते हैं. क्योंकि जो हमने अपने आप को बोला है आज का, जो भी मैंने काम लिया है वो मैं करूँगा, तो वो सब आप कर सकते हैं. तो कोई और शेयर करना चाहता है कि आपने अपनी लिस्ट में क्या बनाया है और आप कब पूरा करने वाले हो? क्योंकि जब आप डिक्लेयर करते हो ग्रुप में तो उसकी एनर्जी आपको हेल्प करती है उस ग्रुप की. क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ बदले, माई लाइफ में चेंज आए, तो एक ग्रुप एनर्जी आपके लिए काम करेगी, आपका जो मंशा जल्दी इंटेंशन फुलफिलमेंट में हेल्प करेगी, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं. तो कोई शेयर करना चाहता है अपनी कमिटमेंट्स तो डिक्लेयर करें. मैं बोलूं? हाँ जी. ज्योति. ज्योति बोलिए. हाँ मैं मुंबई से हूँ मैम. मैं काफी टाइम से ऐसे 2-3 साल से सोच रही थी कि मैं कुछ सीखूं योगा के बारे में या कुछ भी साइंस है एनीथिंग, कुछ ऐसा पढ़ू. मुझे पढ़ने का काफी शौक है और बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन मैं बोलते है ना कि कर नहीं पाती थी. मेरे हस्बैंड बहुत पंक्चुअल है, टाइम टू टाइम उनका बहुत ही एक्सरसाइज सब लाइफ उनकी बहुत ही पंक्चुअल डिसिप्लिन है, लेकिन मेरा नहीं हो रहा था. तो बीरेन भाई और अंकित जी के कारण तो मेरा बहुत कुछ, मुझे बेनिफिट भी बहुत हुआ मिला और मैं काफी कुछ उनसे सीखी भी, काफी क्लास ज्वाइन करके. लेकिन एक ये मुझे सीखने को मिला डिसिप्लिन और टाइम टू टाइम अभी मैं करने लगी हूँ, मेरा सब होने लगा है. तो हम चर्चा करें कि आपने क्या प्रॉमिस किया था और क्या नहीं कर रहे हो. यही कि मैं सुबह उठ के मेरा जो योगा है या मैं ये पढ़ूंगी पूरे दिन में 1 घंटा इसके लिए मैं निकालूंगी जो मुझे करना है, कुछ जिसके बारे में जानना है या मैं मतलब मुझे जो अचीव करना है मैं उसके लिए अभी मैं मतलब ट्राई करना चालू किया है मैंने, तो हो रहा है अभी. ये तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, पर ऐसा क्या था जो आपने नहीं करा और अब आप करने जा रहे हो, जो अब आप इतने 1 महीने में नेक्स्ट 1 महीने में करोगे अपनी लाइफ के लिए? एक मुझे, हाँ एक तो मुझे आपसे सीख के, आपसे रेकी सीख के मुझे ऐसा लगता है जो बीमार है या जिसको जरूरत है मैं उसके लिए हेल्पफुल हो सकूं, दूसरों को मैं मदद कर सकूं, मेरा यही अचीवमेंट है. और मैं जो भी सीख रही हूँ मैं दूसरे के लिए ही सीख रही हूँ कि दूसरे को हेल्पफुल था. ये तो आप कर रहे हो ना, नया आप क्या कर रहे हो जो आपने नहीं किया, वो नया क्या कर रहे हो आप? नया तो अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है. आपने नया क्या काम सोचा था करूंगी और नहीं करा, वो सोचिए, वो लिस्ट बनाइएगा अभी इसको. okay. सोचिए आपको लिस्ट में निकलने को होगा. स्वाति जी आप क्या कहना चाह रही थी? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. मेरा नाम स्वाति है और मैं योगा ट्रेनर हूँ जी. तो मेरी खुद की प्रैक्टिस बहुत कम हो जा रही थी क्योंकि सिखाने के लिए, तो मैंने अभी सोचा है कि मैं मेरी खुद की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करूंगी मॉर्निंग 5 o'clock. और मेरे से पैसे सेविंग नहीं होते हैं. अभी वो सोचा है कि मुझे कैसे भी मनी सेविंग करना है. तो उसके लिए आपने क्या क्या प्लान बनाया है? मतलब ये तो आप सोच ही रहे हो ना बहुत टाइम से. हाँ. कि मैं ये करूंगी. योगा तो मैंने स्टार्ट कर लिया है मेरा प्रैक्टिस करना मॉर्निंग उठ के जी. और अभी ये सेविंग करने का भी सोचना है कैसे करूं. सोचना नहीं है, करना है. आपने क्या इसके लिए अभी जो एक्सरसाइज थी कि आपने क्या स्ट्रक्चर बनाया, आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखे कि मैं कब से कैसे करूंगी? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 8 से करना है, वो मैंने पिगी बैंक लाना है और आंख बंद करके उसमें पैसे डाल देना है.
तो पिगी बैंक कब लाऊंगी मैं और कितने पैसे मैंने जे बचाने हैं, ये क्लियर होना चाहिए। पिगी बैंक आप 12 बजे आज खरीदने जा रही हूँ मैं, और उसके बाद मैंने आज कम से कम 1000 रुपीज़ उसमें डालने हैं, ये ऐसे प्लान बनाइए ना, हर महीने मैंने जो है 1000 सेव करना है या अर्न करना है, ये स्ट्रक्चर बनाइए। क्योंकि सोच तो आप पहले भी रहे थे, तो अब सोचने में और पहले सोचने में फर्क क्या है, अभी करना ही है तो ये आज करके ही करना ही, और कल मैं शेयर ही लूंगी। आज पिगी बैंक लेके आती हूँ और 1000 रुपीस में डालूंगी इसमें। करेक्ट, तो और ऑनगोइंगली हर महीने कितने पैसे डालूंगी और कौन सी तारीख को डालूंगी, ये क्लियर होना चाहिए स्वाति जी। मैं कल सब लोगों से पूछूंगी क्या क्या एक्शन लिया, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड कोर्स है।